बिकमिंग रिव्यूअर में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीलेश है और आज हम स्मार्टफोन का फ़ोन लेंगे जो कि टीफोन पी है। अगर इसके बॉक्स में देखेंगे तो हमको कुछ खास नहीं मिलता है कि यूज़र गाइड नॉर्मली फ़ोन का और एक सिम इजेक्टर टूल और एक नॉर्मल 5 वोल्ट 2 एम्पीयर का एक चार्जर मिलता है जो माइक्रो USB to USB है। और इस फ़ोन की बात करने जाए स्पेसिफिकेशंस की तो स्नैपड्रैगन का 435 प्रोसेसर इसमें मिलता है जो कि 8 कोर वाला प्रोसेसर है और इसमें 8 कोर और 3 GB रैम के साथ 32 GB रोम मिलता है और इसमें फिंगरप्रिंट मिलता है। और अगर इसके फिजिकल ओवरव्यू के बारे में बात करने को जाए तो ऊपर है 3.5 mm का जैक, साइड में है ये सिम इजेक्टर का जो स्लॉट है वो है जिसमें तो जो नीचे देखने को जाए तो एक माइक का है और एक चार्जर और एक स्पीकर का है, ऐसा ये है मेरे हिसाब से। और एक अगर आप राइट साइड में जाएंगे तो एक पावर और एक वॉल्यूम अप डाउन का की है और बस। और पीछे के साइड अगर बैक के साइड देखने गए तो स्मार्टफोन की ब्रांडिंग है नीचे टीफोन पी पावर्ड बाय ट्रॉनिक्स। ट्रॉनिक्स क्या है, ये एक इनका क्लाउड सर्विस है जो 1 TB तक का आपको ये देता, ऑप्शन देता है, आप क्लाउड में स्टोर कर सकते हो। उसके ऊपर ही फिंगरप्रिंट स्कैनर है और ये कैमरा है जो आई थिंक सो 8 मेगापिक्सल का है। 8 मेगापिक्सल अगर हम बॉक्स में देखने को जाए तो अपने को दिखेगा कितने इसका है। देखने को जाए तो इसका कैमरा का इधर तो कुछ फिलहाल लिखा नहीं है तो अगर इसमें देखें तो इसमें भी दिख जाएगा। एट मेगापिक्सल का देगा और फ्रंट भी कुछ 5 मेगापिक्सल का है और फ्रंट में भी आपको फ्लैश मिलता है। अगर फ्रंट का देखें तो फ्रंट में भी आपको फ्लैश मिलता है, देखो ये है फ्लैश। तस्वीरें काफ़ी हद तक अच्छी आ जाती है इसकी, लेकिन आज हम इसके पबजी गेमिंग जो आजकल बहुत पॉपुलर है, ट्रेंड में चल रहा है, उसका हम लोग रिव्यू करेंगे कि कैसा इस फोन में परफॉर्म करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये फ़ोन ज़्यादा है गेमिंग के लिए बना नहीं है कि इसमें एडोनो का अगर आप देखने को जाए एडोनो है इसमें, एंड्रॉयड का वर्जन 7.1 है और मुझे 2 बार सिक्योरिटी का अपडेट्स आया जो कि अभी तो जुलाई का पैच है और नॉर्मल HD डिस्प्ले और 435 जो 8 कोर वाला 1.4 GHz पे काम करता है। हो गया,
ये था थोड़ा लैगिनेस सबको दिखता रहेगा इस गेम में, ये फोन गेमिंग के लिए बना ही नहीं था। मतलब थोड़ी हल्की फुल्की गेमिंग इसमें की जा सकती है, लेकिन हैवी पबजी जो कि 1.5 से 2 GB का गेम है, ये नहीं खेला जा सकता इसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो की एंड करते हैं।